पटना में बिहार यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने आज महंगाई, बेरोजगारी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने जैसे राज्य से जुड़े अनेकों मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करने का ऐलान किया था। लेकिन इस बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मकसद बोरिंग रोड से पैदल चलते हुए राजभवन रोड होते हुए बिहार विधानसभा का घेराव करना था, लेकिन इस बीच पुलिस और इन कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हो गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया और कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की, लेकिन प्रदर्शन और बढ़ने की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जमकर पुलिस ने लाठियां भाजी हैं। इस लाठी चार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास भी घायल हो गए हैं। रोड मार्च था युवाओं के, जो युवा जो बेरोजगार है, महिलाओं का जो लाचार है, जो किसान बेचार है, उन लोगों के लिए लेकर नीट के पेपर को लेकर विधानसभा जाने का घेराव का मामला था, आपने रोक दिया, आपने एक जगह रोका। निश्चित तौर पर यह तानाशाही है सरकार की। शांतिपूर्ण मार्च का इस तरह से अगर तानाशाही रूप से कोई लाठी चार्ज करके हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे युवा लोगों को डराने की कोशिश करेगा तो हम लोग डरने वाले नहीं। ये लाठी चार्ज, ये तानाशाही दिखाना चाह रहे नीतीश कुमार। इसी तरह से लाठी मारेगी जनता 25 में, इसी तरह से लाठी मारेगी। यही लाठी उनको भी पड़ने वाली है, यही लाठी। पुलिस पे हम बोलते रहे कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, प्रदेश कांग्रेस जब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है तो आप लाठी चार्ज ना करें, लेकिन पुलिस की निर्ममता और बर्बरता देखिए, आप किस तरह से इन पर लाठी चार्ज किया गया, इनका सर फट गया है। अभी इन्हें फर्स्ट एड के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। ये बिहार की सरकार, बिहार के नीतीश कुमार की पुलिस को हम आने वाले समय में बताएंगे। और इस तो जिस तरह से तानाशाही कर रही है, गरीबों पर लाठी बरसा रही है, इसका हम विरोध करते हैं।